हेलो बच्चों, आ गए सभी। सबका धन्यवाद, सबका आभार। पिछले वीडियो को लेकर के कुछ कमेंट्स मुझे देखने को पड़े, यानी कि मैंने देखा तो ये जाना कि हाँ, मुझसे वहाँ पे क्या हुआ था। स्थमस जो मैंने बोला, वो ब्लास्टोसिस रचना का जो निर्माण हो रहा था, एम्प्लोरी एज में उनका मीटिंग होता है, ये सही बात है। उसके बाद जो इस टाइम हमने ब्लास्टोसिस लिखा हुआ था, वहाँ पर हम ये बता रहे थे कि ये स्थमस से प्रारंभ होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने वहाँ पर दो बारी आपको इस चीज को पॉइंट कराया था कि स्थमस करके वहां पे हमने मीटिंग की बात की है, जो कि गलतीपूर्वक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वहां से क्लीवेज शुरुआत होती है। स्थमस में जाने के बाद एम्प्लोरी में मीटिंग होता है स्पर्म और ओवम का, देन उसके बाद क्लीवेज देखने को मिलता है हमको स्थमस रीजन के बाद। वेरी गुड। चलो भाई, आज हम युग्मक जनन करेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है और इसको बहुत कम समय लेंगे। युग्मक जनन, जो कि प्यूबर्टी के बाद ही हमको देखने को मिलती है, इसका मेन रीजन क्या रहा होगा? देखिए, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन जो कि रिलीज होता है हमारे शरीर में, वो जाकर के काम कहाँ करता है? एक पीयूष ग्रंथि है, उसके अग्रभाग में जाकर काम करता है। अग्र पीयूष ग्रंथि में यहाँ जाकर के काम करके ये दो हार्मोन रिलीज कराता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या जो फॉलिकल्स में काम करेगा, ठीक है। और एक दूसरा हार्मोन होता है जो LH होता है, जिसको हम आवर साइकिल में इसके हार्मोन की अधिकता से हमको LH सर्ज भी देखने को मिलता है। तो चलो आओ देखते हैं हम कि युग्मक जनन दोनों में हम यहाँ पे एक साथ बात करेंगे, यानी कि मादा में कैसे होता है अंडाणु का जनन, व पुरुषों में कैसा होता है स्पर्म का जनन, ठीक। चलिए बेटा, हम एक साथ में करेंगे और आशा करता हूँ कि आप सभी इसको उसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमने क्या कहा? आपका गेमेटोजेनेसिस बेटा हम एक बारे में देखेंगे दोनों तरफ से, यानी कि मेल में कैसा होगा और फीमेल में कैसा होगा। अगर मैं मेल की बात करूं तो हमको क्या पता था कि सेमिनिफेरस जो टेब्यूल है, वो हमने कुछ ऐसा बनाया हुआ था, ठीक है। ये एक सेमिनिफेरस टेब्यूल का एक छोटा सा माप है। आपको मैं समझाने के लिए ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा जी, इसके जो बाहर यानी कि जो आधारित रूप से देखेंगे, यहां पर होता है नर जर्म सेल। नर जर्म सेल जो हम बार बार बोलते हैं, वो आधार पे होता है। इसके पश्चात मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि आपने जो सर्टोली कोशिका बोला वो यहां पे होगी। कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, है ना। नर जर्म सेल ने क्या किया? ऑब्वियसली ये जाहिर सी बात है कि नर जर्म सेल ही है जो शुक्राणु बनाएगी, ठीक है, शुक्राणु बनाएगी। अब ये जो शुक्राणु निर्मित होते हैं वो कहां पे जाके अंतःस्थापित हो जाते हैं? ये जो शुक्राणु बने यहां पर, ये जो शुक्राणु उन्होंने बनाया, ठीक है, ये शुक्राणु बनने की स्थिति है। उसके जस्ट बाद ये अपोजिट हो जाते हैं, मतलब कि हेड को यहां लेकर के आते हैं, हेड को यहां लेकर के आते हैं, ठीक है। ये ऐसा बना, फिर हेड में जाके अंत स्थापित हो गए, वहां पे रह करके, यानी कि जो सर्टोली सेल है वहां से वो क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं बेटा। पोषण यहां हमने क्या कहा था? सर्टोली सेल है, हमने कहा, एक मिनट बेटा, हाँ हमने कहा ये क्या है? सर्टोली सेल है, है ना। सर्टोली सेल का काम क्या? पोषण देना। तो हमने एक चीज क्लियर की कि बेटा ये जो हमने गैमेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं वो होता है कहां पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रॉपर। वहां पे हमको दो लेयर्स देखने को मिलता है, एक होता है सर्टोली सेल जिसका काम होता है उसको पोषण देना, दूसरा होता है नर जर्म सेल, ठीक है, दूसरा होता है नर जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया जिसको हम बोलते हैं। अब स्पर्मेटोगोनिया को शुक्राणु बनाता है। यहां पे आप दो चीज क्लियर कर लो। देखो भाई, एक जर्म सेल से शिशु का बनना, है ना, शिशु अवस्था तक आना इतना आसान नहीं है। इसके लिए यहां पर दो स्पेशल बातें देखने को मिलेगा। हम क्या कहते हैं कि समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है, जो अपनी संख्या में वृद्धि करते हुए नजर आती है दोनों जगह पे। और वहीं पे हम क्या देखने को मिलता है?
अर्धसूत्री विभाजन का स्पेशल टू टाइप्स देखने को मिलता है। मैं थोड़ी सी व्याख्या करना चाहूँगा क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग रहता है हमेशा। देखो, अगर हम अर्धसूत्री बात करेंगे, विभाजन की बात करेंगे, तो अपने में तो थोड़ा सिंपल है, यानी कि मेल में मेल युग्मक बनाने में थोड़ा सिंपल है। क्या करेगा, स्पर्मेटोगोनिया आएगा, स्पर्मेटोगोनिया से हमको साइड्स देखने को मिलेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, हाँ, स्पर्मेटोसाइट्स देखने को मिलेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड सेकेंडरी स्पर्मोसाइट। देन उसके बाद जब ये अर्धसूत्री दोनों कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद हमको स्पर्मेटिड देखने को मिलता है। वो डिफरेंशिएट होकर के स्पर्मेटिड से डिफरेंशिएट होकर के हमको स्पर्मेटोजोवा देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, स्पर्मेटोजोवा देखने को मिलता है। चलिए, तो हमने एक छोटा सा बात बताया कि आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती हैं दो लेयर की कोशिकाएं, सर्टोली सेल और नरजर्म सेल। इन दोनों के बीच का हमने क्या रिलेशन देखा कि नरजर्म सेल जो है शुक्राणु पैदा करता है, फिर अंतः स्थापित होती है कहां पे, सर्टोली सेल्स पे जाकर के। एक चीज और क्लियर कर लो बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का निकलना कहलाता है स्पर्ममिएशन। ठीक है, एजुकेशन अलग है बेटा, जब वो बाह्य स्खलन करते हैं यानी कि यूरेथ्रा से पूरे बॉडी से बाहर चले जाएगी, उसको हम एजुकेशन या स्खलन बोलते हैं। ठीक है, स्पर्मिएशन शब्द को जब हम बात करेंगे तो हम यहां पे किसका रिलेट करेंगे कि जब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल करके गई है और स्पर्मिएशन होने के पश्चात कहां जाती है, एपिडर्मिस। वहां थोड़ी देर रुकती है, वहां से वो गति प्राप्त करती है। एपिडर्मिस के बारे में हमने ये चीज बहुत महत्वपूर्ण रूप से बताई थी, क्या कि वहां थोड़े देर के लिए टेम्परेरी रूप से संचय होता है शुक्राणुओं का। अभी भी यहां पे ये नॉन मोटाइल होते हैं जब ये शुक्राणु बन के निकलते हैं। ठीक है, ओके, अब इसको हम थोड़ा डिटेल से देखना चाहेंगे। चलो भाई, तो एक तरफ तो हमको क्या देखना है, एक तरफ हमको देखना है नर में युग्मक जनन कैसे होगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, समझा तो दिया है अच्छे से, लेकिन फिर भी हम इसको लिख दे रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, चलिए, हमने कहा हम बात कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। यहां पे हमको तीन स्टेज देखने को मिलता है, तीन स्टेज देखने को मिलता है। अब इस स्टेज में हमको क्या देखने को मिलता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जो कि पहला स्टेप है बेटा। क्या देखने को मिलता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होता है हम बताते हैं। दूसरा में देखने को मिलता है क्या कि जब ये साइट जो ये कोशिकाएं बन जाती हैं, वो दो टाइप की स्पेशल डिवीजन देखने को मिलता है, सेल यहां पे हमको देखने को मिलता है। उसको हम क्या कहेंगे कि यहां पे हमको अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार से देखने को मिलता है। हालांकि दो अर्धसूत्री विभाजन होता है, पहला अर्धसूत्री विभाजन और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। जो दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है वो क्या करता है, अपने क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करता है। ठीक है बेटा, क्या करता है, मेंटेन करके चलता है। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन पहले में जब वो 2n था, वहां से वो कहां गया, n में गया, उसके पास अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो इसको सीक्वेंस को मेंटेन करता है, इक्वेशनल रखता है, इक्वल बांटता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, यहां पे अपने को स्पर्मेटिड जो देखने को मिलता है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, यानी कि मेंटेन होता है उसका क्रोमोसोमल नंबर। हमको अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है दो प्रकार से। ओके, थर्ड अपना फेज जो है वो होता है स्पर्मियोजेनेसिस।
स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा, ये जो पैदा हुए हैं स्पर्मेटिड जिसको बोल रहे हैं वो गोलाकार संरचना में, ध्यान दो, उसके बाद जब इनको फ्लैजिलेकल संरचना में लेके जाते हैं यानी कि कुछ ऐसे देखने को जब मिले तो हिम क्या हम इसको बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होगा, स्पर्मियोजेनेसिस के माध्यम से। इसका मतलब क्या, यहां पे डिफरेंशिएट होने को देखने को मिलता है, डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है यानी कि क्या, इमेच्योर से मैच्यूरेशन की ओर जाता है। हमने क्या कहा, इमेच्योर से इमेच्योर से मैच्योरिटी की ओर देखने को मिलता है। अभी मैच्योरिटी कैसे लेकर के आती है, थोड़ा सा समझ लो चीजों को। मैच्योरेशन का मतलब यह है बेटा, जैसे कि मैं यहां पे एक शुक्राणु को डायग्राम बनाता हूं। देखिए, हमने कहा था देखो, एक परिपक्व शुक्राणु की संरचना जब हम बनाते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती हैं। यानी कि क्या, सबसे पहली बात, एक प्लाज्मा झिल्ली जो कि पूरे शरीर को घेरे हुए रखा गया, पूरे शरीर को घेर के चलती है एक प्लाज्मा झिल्ली, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो टिप है इसको हम जो टोपी नुमा संरचना बोल रहे हैं, ये जब मैच्योर होता है स्पर्म, तो हमको यहां पे क्या देखने को मिलेगा बेटा, हमको यहां पे देखने को मिलेगा ग्लॉजी बॉडी। क्या देखने को मिलेगा, ग्लॉजी बॉडी। क्यों देखने को मिलेगा ग्लॉजी बॉडी, ग्लॉजी बॉडी के कार्यों का थोड़ा सा रिफ्रेश करो माइंड को। ग्लॉजी बॉडी क्या करता है, सिक्रेशन करता है, याद करो केंद्रक के पास होता है। तो हमको यहां पे देखने को क्या मिलता है, विशेष एंजाइम देखने को मिलते हैं, जो किसके वजह से है, ग्लॉजी बॉडी के वजह से है। क्लियर कट बात है। दूसरा बात क्या देखने को मिलता है, हमको यहां पे कुछ स्पेशल संरचनात्मक विभिन्नताएं देखने को मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया यहां पे प्रेजेंस होता है मिडिल पार्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9वीं 10वीं के पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं कि ये किसका सोर्स है, ऊर्जा का सोर्स है, ऊर्जा बनाती है, ये ऊर्जा का सोर्स होता है। ठीक है, यानी कि जो स्पर्म को गति मिलेगी, जो स्पर्म को ऊर्जा मिलेगा वो कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया देगा। साथ ही साथ यहां पर हमको सेंट्रियोल भी देखने को मिलता है, सेंट्रियोल तारक काय। ठीक है, सेंट्रियोल भी देखने, तो इस फेज को हम मैच्योर फेज बोलेंगे शुक्राणुओं की। ठीक है, अब यहां पे जो टेल का क्या काम है, देखो टेल का मुख्य काम है मोमेंटम बनाए रखना। मूवमेंट जब होती है स्पर्म की तो रास्ता देखो कहां तक जाना है, फिर से मैं वही बात बोल रहा हूं, एम्पुला तक जाना है। कहां तक जाना है, एम्पुला तक, बट क्लीवेज कहां से शुरू होती है, स्थमस से शुरू होती है। ठीक है, तो एम्पुला तब जो जाएगा तो उसकी गति को दिशा निर्धारित कर पाएगा कौन, टेल। वैसे भी पूंछ का काम यही होता है। अब देखो, रॉकेट जब छूटता है अंतरिक्ष में, रॉकेट जब छूटता है अंतरिक्ष में तो क्या होता है, हेड का संरचना अलग हो जाती है, पीछे का भाग अलग हो जाता है और हेड वाली संरचना अंतरिक्ष में जाकर के आगे गति करती है। तो वैसा ही कुछ यहां पे है, ये वाली संरचना रह जाएगी जब ये अटैक करेगा ओवम पे। ठीक है, और केवल जहां पे हमको क्रोमोसोम देखने को मिलता है वो वाला पार्ट आगे बढ़ेगा। ठीक है, जो केंद्र की संरचना है उसमें क्रोमोसोम रहता है, वहां पे वो आगे बढ़ते हमको देखने को मिलेगा। अरे डायग्राम हमको जैसा बनाना आया है हम बना दिया है, कॉन्सेप्ट समझ लो। मैच्योरिटी के जब और जाएगा तो हमको इन सब चीजों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा वो बता देते हैं भाई, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे बता देते हैं। देखो ध्यान से, देखो बड़े प्यार से, हमने कहा
एक तो हमने कहा इस स्पर्मेटोजेनेसिस में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। हमने कहा स्पर्मेटोगोनिया में हमको क्या देखने को मिलेगा, दो चीजें। पहला तो ये समसूत्री विभाजन करते देखने को मिलेगा, समसूत्री विभाजन करेगा। और स्पर्मेटोगोनिया में दो टाइप के, देखो एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा हुआ है कि कुछ कुछ स्पर्मेटोगोनिया लगातार समसूत्री विभाजन, मतलब लगातार समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या व वृद्धि करते रहते हैं, उसके पश्चात जो कि है कुछ ही स्पर्मेटोगोनिया अर्धसूत्री की ओर आगे बढ़ते हैं। करेक्ट बात। तो हमने कहा यहां पे समसूत्री विभाजन करके इन्होंने क्या कर लिया, अपना नंबर बढ़ाया, ठीक है, वृद्धि की। ठीक, जब ये अर्धसूत्री विभाजन की ओर जाएगा यानी कि स्पर्मेटोगोनिया गोनिया अब क्या करेगा बेटा, अर्धसूत्री विभाजन करेगा। तो जब ये अर्धसूत्री विभाजन करेगा तो हमको क्या देखने को मिलती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहला अर्धसूत्री विभाजन करेगा। फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट करके यह दो, कैसा दो, यहां पे हमको क्या देखने को मिलेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटो साइट देखने को मिलेगा। कितना, दो, दो देखने को मिलेगा। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो यहां पे दूसरा, एक तो ये पेन का बड़ा दिक्कत है बेटा, हर बार अलग पेन लेना है। देखो दूसरा अर्धसूत्री विभाजन करेगा, उसके बाद ये क्या बनाएगा, जब ये दूसरा अर्धसूत्री विभाजन करेगा तो हम यहां पर लिख देते हैं क्या बनाएगा, ये बनाता है स्पर्मेटिट। और स्पर्मेटिट को कहां जाना है, स्पर्मेटिट को जाना है स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ में जाने की जो प्रक्रिया है इसी को हम स्पर्मियोजिनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मियोजिनेसिस, यानी कि इमेच्योर से मेच्योरेशन की ओर जाएगा। और मेच्योरेशन की ओर जब वो जाता है तो हमने कहा ये संरचनाएं देखने को मिलेगी। ठीक है, ये संरचनाएं देखने को मिलेंगी। ये देखो ये जो शुक्राणु की हमने जो बात की है, ये प्लाज्मा झिल्ली है जो पूरे शरीर पे फैला हुआ है। अग्रपिंडक में कुछ ऐसे अपने को एंजाइम देखने को मिलते हैं जो कि ओवम से सीधा लड़ाई करेगा और अंदर घुस जाएगा। ठीक है ना, ये एंजाइम उस बाहरी कवर को तोड़ करके अंदर जाने में मदद करता है। ठीक है, और हमने कहा कि सेंट्रल यहाँ पे केंद्रक युक्त अपने को गुणसूत्री पदार्थ देखने को मिलेगा। गले पे हमने कहा ग्रीवा जिस एरिया के नाम है उसके जस्ट नीचे मिडिल पार्ट होता है मध्यखंड, वहां पे हमको देखने को क्या मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और पूंछ जो कि मोमेंटम बनाने का काम करता है। तो ये शुक्राणु की संरचना थी। हाँ, तो ये स्पर्मेटोजोआ जो है डिफरेंशिएट होकर के अंततः आपने को शुक्राणु के रूप में देखने, लेकिन लेकिन यहां पे ये शुक्राणु अभी भी नॉन मोटाइल है। क्या बात कर रहे सर, हाँ यहां पे अभी भी ये नॉन मोटाइल है। इसका फ्लैजिला नामक संरचना आ चुका है, यानी कि ये वाली संरचना भी आ चुकी है, लेकिन फिर भी ये जब तक नरिशमेंट लेगा, मतलब कि जब इस सर्टोली कोशिकाओं में, कहां पे, यहां पे सर्टोली कोशिका में धसके रहेगी, जब इसको इपिडाइडिमिस में जाता है
तब जाकर के वो गति प्राप्त करता है। इपिडाइटिस में ये इसको थोड़े दिन रुकने पड़ते हैं। ठीक, फ्लो समझ में आया। स्पर्मेटोजेनेसिस की हमने बात की, हमने कहा कि बेटा इसके तीन चरण है, याद रखो, तीन चरण है याद रखो। पहला हमने कहा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, यानी कि क्या यहाँ पे इस फेस में हमको ये चीज देखने को मिलता है, क्या स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है जो कि पहला अर्धसूत्री विभाजन करके सेकेंडरी पर स्पर्मेटोसाइट दो बनाता है। यह जब दूसरा अर्धसूत्री विभाजन करेगा तब यह क्या बनाएगा, स्पर्मेटिड बनाएगा। अब एक बार बताओ, दोनों से बना कितना, दो, तो चार नहीं हो गए स्पर्मेटिड, चार हो गए। ठीक, उसके बाद हमने क्या कहा, इंपॉर्टेंट फेज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस करने के बाद ये अर्धसूत्री विभाजन करता है दो प्रकार का। एक में हमने कहा ये क्रोमोसोमल नंबर का हाफ करता है, देन जो दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है वो मेंटेन रखता है, इक्वेशनल रहता है, यानी कि बराबर भागों में उसको भाग के रखता है। इसको हमने इमेच्योर शुक्राणु के रूप में जाना। ठीक, अब जब वो मैच्योरेशन की ओर जाएगा, यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस हमको कहते हैं उस रचना को, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ यानी कि शुक्राणु प्रसु के बाद शुक्राणु में जब वो बनता है तो हमने उसको स्पर्मेटोजोआ कहा। ठीक, इस फेज को हमने फिर से समझाया कि समसूत्री विभाजन में क्या होता है, नंबर्स बढ़ते हैं, वृद्धि होता है, उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया ने यह हिसाब किताब करके अपना शुक्राणु बना रखा है। ठीक, तो ये किसकी बात हुई बेटा, ये बात हुई युग्मक जनन किसकी, हमारे में मेल में। ठीक है, मेल में शुक्राणु कैसे बने इसका हमने प्रोसेस के थ्रू आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझाया है। इसके बाद हम चलेंगे एनसीईआरटी के ओर। ठीक है, और ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि पिछली बार वीडियो लंबी हो गई थी, तो इस बार थोड़ा शॉर्ट करेंगे। और साथ साथ देखो, चलो हम पेन से बताते हैं थोड़ा। चलो बेटा, हमने क्या कहा था कि शुक्राणु कहां बनेंगे, वृषण में बनेंगे। शुक्राणु कहां बनेंगे, वृषण में बनेंगे। वृषण में भी कौन, तो कहा शुक्राणुजन में। शुक्राणुजन जो कोशिका की लेयर है, एक वचन में स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, ये क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा। क्या करेगा बेटा, ये शुक्राणु जनन करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, शुक्राणु उत्पन्न करेगा। कैसे होता है, किशोरावस्था के समय के बाद। ठीक है, किशोरावस्था आ जाएगा तो हमने क्या कहा था, किशोरावस्था में हमको दो हार्मोन रिलीज होते देखने को मिलेगा, कौन कौन सा, FSH और H। किसके वजह से ये देखने को मिलेगा, GnRH गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, जो कि काम कहां करता है, काम करता है पीयूष ग्रंथि में, पीयूष ग्रंथि में। नाम से आप पकड़ लो, LH कहां काम करेगा, लीडिंग सेल में काम करेगा। FSH कहां काम करेगा, जब फॉलिकल स्टेज आएगा वहां पे काम करेगा, इसको स्टिमुलेट करके उसके जो ओवम से निकालने का काम करेगा FSH। और FSH सर्टोली सेल में काम करता है, तो हम लिख दे यहां पे, लिख देते हैं LH काम करेगा लीडिंग सेल में। ठीक है, लीडिंग सेल में। और FSH कहां काम करेगा, सर्टोली सेल में। क्लियर है, इसी के लिए लंबा चौड़ा क्या लिखना, इतना लंबा चौड़ा क्या लिखना, LH है, FSH है, गोनेडोट्रोफिन की वजह से होता है, पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि का अग्र पीयूष ग्रंथि है, वहां से रिलीज कराता है। ठीक है, कौन सा है, अग्र। ठीक, इसके बाद हमने क्या कहा कि शुक्राणुजन जो कि कहां है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, कहां है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के भीतरी भित्ति में, आधार जैसे हमने दिखाया था, भीतरी भित्ति में। ठीक है, देखो, अरे ये सेमिनिफेरस अगर ट्यूब्यूल है तो उसका ल्यूमन ना हुआ, ये ल्यूमन हुआ, इसके बाहर में हम बोल रहे हैं। चलो, अब ये क्या करेगा, तो हमने कहा ये समसूत्री विभाजन करेगा। समसूत्री विभाजन करने के पश्चात इसका कारण क्या है, तो हमने कहा केवल संख्या में वृद्धि करना होगा। ठीक है, संख्या में वृद्धि करना होगा। यहां तक तो शुक्राणु जनन कितने थे, अपने 46 गुणसूत्र लेकर के चल रहे थे। उसके बाद समय समय पर कुछ, हमने क्या कहा था, दो प्रकार की यहां पे हमको देखने को मिलेगा प्रोसेस। एक
हमने कहा देखो कुछ यहाँ पे शुक्राणुओं में समय समय पर अर्धसूत्र विभाजन होते रहेगा और वो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं को बनाने के लिए। प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं क्या करेंगी, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन करेंगी, उसके पश्चात वो क्या बनाएंगी, उसके पश्चात वो बनाएंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेंगे, इसके पास पहले तो ये जान लो कि 23 गुणसूत्र आ गए हैं, और जब ये अर्धसूत्री टू करेगा क्या करेगा, दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से चार बार कितने शुक्राणु प्रसू बनाएंगे, चार, एक से चार, तो 25 आपके पास स्पर्मेटोसाइट है, बताओ कितने युग्मक बनेंगे, 100। ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो बना देना भाई, बहुत इजी रहता है। चलो तो हमने हरा लाल पीला जो भी कुछ किया है यहाँ पे, ये एनसीईआरटी का पेज है, इसको समझ लेना है, हरा तो दिख ही नहीं रहा लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये था आपका गैमेटोजेनेसिस का पहला पार्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सा पार्ट था ये, स्पर्मेटोजेनेसिस था, जिसमें हमने थोड़े से अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है, थोड़े अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। चलो बेटा अब हमने, अच्छा हमने क्या देखा अभी, जो प्रोसेस था किसका प्रोसेस, युग्मक जनन का, यानी कि जो शुक्राणुओं का जनन था उसमें प्रोसेस क्या था बेटा, उसको याद करो। अर्धसूत्री विभाजन किया उसने, समसूत्री विभाजन किया उसने, वहां पे हमने तीन फेस में देखा था। अब हम किसको देखने वाले हैं, ऊजिनेसिस को देखने वाले हैं, और इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपल तरीके से जिस फ्लोस में बता रहा हूं उसको बस ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम क्या देखने वाले हैं अब, ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस बहुत सिंपल है। हालांकि इस टर्म की वजह से, किस टर्म की वजह से, जो अर्धसूत्री विभाजन यहां पे होता है, मैं पहले ही बता रहा हूं, अर्धसूत्री विभाजन जो यहां पे होता है दो बारी रुकता है, दो बारी शुरू होता है, दो बारी उस कंडीशन में वो खत्म होता है, डिटेल से एनसीईआरटी ने दे रखा है, हम जो बता रहे हैं उस फ्लो को ध्यान देना है। चलो ऊजेनेसिस में हमको क्या देखने को मिलता है, जो ऊगोनिया है, ध्यान से देखो, ऊगोनिया जो है यहां पे क्या करते रहता है, समसूत्री विभाजन करके अपना जो वृद्धि है, मतलब सॉरी ये भ्रूणी स्टेज में इसकी संख्या जो होती है निर्धारित हो जाती है। उसके बाद किस संरचना हम देखते हैं, ऊगोनिया से आगे की संरचना है प्राइमरी ऊसाइट, ठीक, दो बारी लिख रहा हूं कारण बताता हूं, प्राइमरी ऊसाइट सेकेंड में बनाया गया है, सेकेंडरी ऊसाइट दो बार अरेस्ट होता है, मैंने बताया था, अभी इसको और अच्छे से बताएंगे, सेकेंडरी ऊसाइट। देखो अब काम की बात सुनो, अपन ने कहा कि ऊगुनिया माइटोसिस करते रहता है, प्राइमरी ऊसाइट बनाता है, प्राइमरी ऊसाइट शुरू क्या करेगा, अर्धसूत्री फर्स्ट, शुरू किया, अरेस्ट हो गया, फंस गया, रुक गया, कहां पे, पूर्वावस्था, सॉरी पूर्वावस्था में, यानी कि क्या, प्रोफेस में, जैसे का फेस है अपना जो सेल डिवीजन का, वहां पे पूर्वावस्था में अर्धसूत्री फर्स्ट ने शुरू किया है, प्राइमरी ओसाइट ने अटक कहां गया, या बा ये कंप्लीट कब होगा, तो जब ये प्रथम बार जब ओवल्यूशन होगा, प्रथम बार जब ये ओवल्यूशन करती है प्यूबर्टी के बाद, तब यहां पे ये पहला मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, अर्धसूत्री मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, ओके। दूसरा वाला कब होता है, यानी कि ये तो अर्धसूत्री फर्स्ट था, ये फेस में दोनों में क्या था, अर्धसूत्री फर्स्ट था, ठीक, इन दोनों में क्या होगा, देखो सेकेंडरी ऊसाइट बना, सेकेंडरी ऊसाइट हमने कहा कि कहां पे कंप्लीट हो गया, ओवुलेशन के पश्चात, सेकेंडरी ऊसाइट क्या करेगा, यह करेगा
अर्धसूत्री सेकंड, अटकेगा कहाँ? ये अटकेगा मेटाफेज में, मेटाफेज टू में, मेटाफेज टू में अटक गया। अब मेटाफेज टू में अटका कंप्लीट कहाँ करेगा? जब ये स्पर्म से मीटिंग करेगा, स्पर्म से मिलेगा यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तब ये स्पर्म के आने की वजह से टू को कंप्लीट करता है। बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। हमने क्या कहा, मियोसिस टू यानी कि अर्धसूत्री विभाजन टू कंप्लीट कब होगा बेटा? जब अपने को स्पर्म आते मिलेगा, ठीक है। सिंपल सी कहानी थी, बार बार इसको कंफ्यूजन नहीं करना है। ओगोनिया ने क्या किया, समसूत्री करके प्राइमरी ओसाइट बनाया। अब ये भूनी स्टेज में रहा, हम इसको डिटेल में बताएंगे। अगर हम किसी 6 से 15 वर्ष की बच्ची को देखेंगे तो अपने को कौन सी संरचना देखने को मिलेगी? प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। चलिए इसका हमने डायग्राम बेस क्लियर करते हैं चीजों को। देखो बेटा हमने क्या कहा, अच्छा एक चीज मैंने बताना भूल गया कि जब हम पोलर बॉडी की बात करते हैं, यहां पे हमको फर्स्ट पोलर बॉडी देखने को मिलेगी, ठीक है। सेकेंड पोलर बॉडी हमको सेकेंडरी ओसाइट यहां पे, सेकेंड पोलर बॉडी देखने को मिलेगी। और ये जो रिलीज होता है यानी कि सेकेंडरी ओसाइट के बाद जब मेटाफेज टू कंप्लीट होता है और ये जो रिलीज होता है वो सेकेंडरी पोलर बॉडी भी ही है, ठीक है। वो उसको ओवम नहीं बोल सकते, ओवम तभी कहेंगे जब वो स्पर्म के कनेक्ट में आ जाएगा, कंप्लीट करेगा सेकेंडरी ओसाइट ही के यानी कि सेकेंड पोलर बॉडी। एक मिनट, सेकेंड यहां पे देखो, सेकेंड पोलर बॉडी एंड फर्स्ट पोलर बॉडी की कहां कहां बात की मैंने, प्राइमरी ओसाइट के बाद और सेकेंडरी ओसाइट के बाद मैंने बात की। यहां पे ये फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंड पोलर बॉडी पे बन चुका है, ठीक। और यही रिलीज भी होता है, यही रिलीज भी होता है, ठीक। आइए यहां पे देखिए, देखो प्राथमिक अंडक, ठीक है, गर्भ जीवन यानी कि क्या, भ्रूणीय परिवर्धन के समय हमको ये देखने को मिलता है। जब हुआ पहला अंडक अर्धसूत्री विभाजन अंडोस्वर्ग के बाद समाप्त करता है, अंडोस्वर्ग के बाद समाप्त करता है। ये कौन सी अवस्था में है, बाल अवस्था में, यौन आरंभ के पश्चात प्राइमरी जो मियोसिस फर्स्ट समाप्त कर रहा है यानी कि मियोसिस यानी कि द्वितीयक अंडक बन चुका है। और इस समय जब प्राइमरी ओसाइट, तो हमने कहा प्रथम ध्रुवी पिंड बन चुका था, किस समय, प्राथमिक अंडक का जिसका हम नाम दे रहे हैं उसका, जब हमने अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट कराया था। द्वितीय अंडक यानी कि जहां से सेकेंडरी हम इसकी बात कर रहे हैं, देख लो हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट जब अपना मियोसिस टू कंप्लीट करता है तो वो कब करता है, और वो ओवम रिलीज की जो बात कर रहा है वो द्वितीय ध्रुवीय पिंड ही है, ठीक। ओके, तो ये था आपका ओजेनेसिस, बहुत इजी है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। और ये तो है ही बहुत इजी भाई, देख लो शुक्राणु नष्टा, सूत्री विभाजन किया, विभेदन किया, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनाई, ये इन्होंने पहला मियोसिस किया, इन्होंने सेकेंड मियोसिस किया, अरेस्टिंग वरेस्टिंग वाला कोई मामला ही नहीं है। इसमें अपने को याद रखना है बहुत ध्यान से, क्या पूर्वावस्था को याद रखना, पहली बार में, पहले बार में दिखेगा वाला, पहले में यानी कि प्राइमरी ओसाइट जो अरेस्ट होता है वो क्या है, प्रोफेज। सेकेंड में, दूसरे बार में जब वो अरेस्ट होता है कहां पे होता है, मेटाफेज। दुनिया भर का ज्ञान पढ़ लोगे ये भूल जाओगे तो कोई मतलब का नहीं, और मेटाफेज कैसा, टू, अर्धसूत्री विभाजन टू है, ठीक है। अरे नीट में यही पूछेगा,
यही पूछेगा, ओजेनेसिस के समय कौन कौन से अरिष्ट होता है, कब वो कंप्लीट करता है, यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखो इतने छोटे से डायग्राम का कितना बड़ा डिस्क्रिप्शन है, कितना बड़ा व्याख्या है, ये देखिए। अब आगे चलो, ये हो गया। अब देखो, हम कहते हैं एक परिपक्व मादा युग्मक का निर्माण, एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण को हम अंडजनन कहते हैं, ठीक है। पेन दूसरा ले लेता हूं यार, पेन येलो तो नहीं दिखता है अच्छा, बट ये भी अच्छा दिखेगा। देखो स्पष्ट क्या है कि ये भिन्न होता है किससे, शुक्राणु जनन से बिल्कुल भिन्न है। मियोसिस में हमने देखा कैसे कैसी संरचनाएं देखने को मिलती है। हमने कहा कि जो ओगोनिया है, ये जो हमने कहा बार बार बोलते रहते हैं, है ना, हम भी कह रहे हैं, एनसीईआरटी भी वही बात बोलती है, ठीक है, इसलिए गर्व से बोलते हैं हमने कहा, ठीक। ओगोनिया में इंपॉर्टेंट बात याद रखो, अर्धसूत्री विभाजन के समय पूर्वावस्था में प्रविष्ट होती है, यानी कि रुक जाती है। और एक बात क्या है कि सबसे पहली बात कि जब भ्रूणी परिवर्धन होता है, जब भ्रूणी परिवर्धन की शुरुआत होती है, उसी चरण में बहुत सारे कई लाख आपको मार्ती युग्मक कोशिकाएं यानी कि ओगोनिया प्रत्येक अंडाशय के अंदर निर्मित होती हैं। उसके बाद जन्म के बाद इनकी वृद्धि नहीं होती, इनकी वृद्धि किसकी, ओगोनिया की वृद्धि नहीं होती, ठीक है। इसके बाद हमने जो विभाजन की प्रक्रिया थी उसको बताया है, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ से अटकता है, प्राइमरी ओसाइट यानी कि अंडक की बात कर रहा है ये, ठीक। चलो हाँ, इसके बाद जो फॉलिकल्स वाली संरचनाएं हैं जिसमें आपको थीका लेयर देखने को मिलता है, जोना ग्रेनुलोसा देखने को मिलता है, इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल से करेंगे और ऐसी सर्कुलर संरचनाएं बता के आपको बताएंगे कि इस समय में फॉलिकल स्टेज हो रहा है और इसके बाद का जो फेस है वो आर्त और चक्र में बहुत अच्छे से करेंगे अगले क्लास में। फिलहाल अगर कोई त्रुटि हो तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब शुरुआत है भाई तो होना ही चाहिए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करने के लिए। नीट के रिगार्डिंग आपको बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ों को देखने को, अगर लगता है वीडियो को 2x में देखना है 2x में देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात तो हम कर नहीं रहे हैं, पर टॉपिक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, इसके बाद की बात यानी कि जब अर्धसूत्री फॉलिकल स्टेज में चले जाता है उसको हम आर्त फेस में बहुत अच्छे से बताएंगे, मेन बात जो थी हमने बता दी है। चलिए बाय बाय, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।